गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कोई एक ऐसी ट्रिक के बारे में जिससे जो आपका रोज़ का प्लांट है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी और वो बहुत अच्छे से लीव्स और फ्लावर्स दोनों ही ग्रो करेगा। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको रेगुलरली प्लांट अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। फ्रेंड्स, अगर आप रोज़ में बहुत सारे फूल उगाना चाहते हैं तो कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि नाइट्रोजन तो हर पौधे को चाहिए ही होता है। नाइट्रोजन क्या करता है कि जितनी भी ग्रीन वेजिटेटिव ग्रोथ है यानी कि लीव्स हैं उसमें मदद करता है। नाइट्रोजन जो है वो एनवायरमेंट से प्लांट अपना एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी जो है ग्रोथ करता है लीव्स की। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है फॉस्फरस। फॉस्फरस होता है जो रूट डेवलपमेंट में काम आता है, जो पौधा अपनी रूट्स बनाता है वो फॉस्फोरस के मदद से बनाता है। और वो दोनों जब रूट अच्छी तरह से तरीके से डेवलप होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस फ्लावर उगा पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उन ब्रांचेस पे फूल आ पाएंगे। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है वो होता है पोटेशियम। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा एक ऐसे सोर्स के बारे में, पोटेशियम सोर्स के बारे में, जो आप अपने पौधे में फ्री में डाल सकते हैं, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता उसका और आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ अच्छी अपने प्लांट की कर सकते हैं। तो पोटेशियम क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस में अपने जो पौधा है उसको यूज़ करता है, मदद करता है और जिसकी वजह से जो प्लांट है अपना खाना अच्छी तरीके से बना पाता है, उसमें ज़्यादा ताकत आती है और वो अच्छे तरीके से फूल प्रोड्यूस करता है। ये जो ट्रिक है ये मैं अपने इस प्लांट में भी फॉलो करता हूँ। ये आप देख सकते हैं येलो कलर का ये गुलाब का फूल कितना बड़ा फूल है। अभी तो ये थोड़ा सा खिला है, ये फूल इतना बड़ा हो जाएगा खिल के पूरा। तो ये ट्रिक मैं इसमें ही फॉलो करता हूँ। ये ट्रिक है फ्रेंड्स केले के छिलकों की। ये देख सकते हैं आप, ये केले के छिलके हैं। हम केले के छिलके केले खा के जरूर तकरीबन सभी लोग फेंक देते हैं, कोई भी शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो इस्तेमाल करते हैं। और काफ़ी लोगों को अब ये जानकारी हो गई है कि जो केले के छिलके हैं वो पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं पौधे के लिए। तो अगर आप केले के छिलके का फर्टिलाइज़र या बनाना पील फर्टिलाइज़र अपने रोज़ प्लांट में डालेंगे तो उससे जो ग्रोथ है आपके प्लांट की, रोज़ प्लांट की या किसी भी पौधे की जिसमें फूल आते हैं, वो ट्रिपल हो सकती है। तो आज हम इसमें सीखेंगे कि ये बनाना जो पील हैं ये आप अपने प्लांट में कैसे डाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक तरीका होता है फ्रेंड्स, आप इस केले के छिलके को थोड़ा थोड़ा सा काट कर, छोटे छोटे काट कर पानी में डुबा के दो दिन तक रख दीजिए और जो ये छिलके हैं उस पानी में डिकम्पोज हो जाएंगे और वो जो डिकम्पोज पानी है उसको आप रूट्स में डाल दीजिए। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप बनाना पील फर्टिलाइजर का लिक्विड बना सकते हैं और अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डायरेक्टली ये जो बनाना पील्स हैं आप अपने पौधे में कैसे डाल सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने अपने पौधे को अच्छे से इसकी गुड़ाई कर लेनी है, जो सॉइल है उसको लूज कर लेना है, क्योंकि जब हम इसमें ये केले का छिलका डालेंगे तो हम मिट्टी के अंदर डालेंगे और उसके ऊपर मिट्टी उसको डाल देंगे, मिट्टी उसके ऊपर भर देंगे, जिसके क्या कारण क्या होगा कि जो मिट्टी के अंदर एंजाइम्स होंगे वो इस केले के छिलके को डिकम्पोज कर देंगे और इस केले के छिलके में जितना भी पोटेशियम है और बाकी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे प्लांट के पास और प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ये मैंने अच्छे से गुड़ाई कर दी है फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है, हाथ से थोड़ी मिट्टी को साइड कर देना है ऐसे। ये देखिए, ये आपने एक गड्ढा सा बना लेना है और आपने क्या करना है, ये केले का जो छिलका है वो ऐसे दबा देना है। दबा के ये जो मिट्टी आपने साइड करी थी इसके ऊपर इसको ऐसे ढक देना है। मिट्टी के नीचे दबाने का इसको ये फायदा है फ्रेंड्स कि मिट्टी के नीचे कुछ भी अगर हो तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो उसको डिकम्पोज कर देता है। ऐसे ही यहाँ पे हम करेंगे ये दूसरी तरीके पे। ये जो बनाना पील है ये मैंने यहाँ पे रख दिया और ये मिट्टी से इसको ऐसे ढक दिया। तो अब ये बनाना जो पील है मैंने अच्छे से इसको ढक दिया है और जो इसमें, अब इसमें इमिजिएटली आपने अभी वाटरिंग नहीं करनी, आप इस मिट्टी को थोड़ा सा सेटल होने दीजिए, थोड़ा सा एक्टिवेट होने दीजिए अंदर के जो एंजाइम्स हैं, और फिर ऊपर से पानी दीजिए ताकि ये केले के छिलके डिकम्पोज हो सके और सारा का सारा जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो इस प्लांट को मिल सके। तो ये केले के छिलके हमने डाल दिए हैं अंदर। आप अगर चाहते हैं तो इन केले के छिलकों को सुखा के इसका पाउडर बना के भी डाल सकते हैं, इसका लिक्विड भी बना के भी डाल सकते हैं, दोनों का फ़ायदा एक ही होगा। इसमें ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है लेकिन इससे जो मिट्टी है, मिट्टी की जो क्वालिटी है वो लॉन्ग टर्म में अच्छी हो जाएगी और आप
इसी तरीके से बाकी जितने भी फूल वाले पौधे हैं, जिनमें भी फूल आते हैं, वो बनाना पील उसमें डाल सकते हैं, केले का छिलका डाल सकते हैं। तो इससे मैं समझता हूँ कि आपका नज़रिया बदल गया होगा कि आप केले के छिलके अब मेरे हिसाब से कभी भी ज़िंदगी में फेंकेंगे नहीं, उसे अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास गार्डन नहीं है तो आप उसको पास के किसी पार्क में ही छोटा सा गड्ढा करके वहाँ पर डाल दीजिए। आप उसको कचरे में मत फेंकिए, क्योंकि वो केले का छिलका पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और न्यूट्रिएंट से भरा होता है। तो ये टिप आप अपने प्लांट्स में भी फॉलो करिए फ्रेंड्स, और जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो अपना सवाल पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को भी लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय।